कितने दिन हो गए चर्च में आए। चलो चर्च में चलता हूँ। चर्च थोड़ा गंदा लग रहा है। हाँ बहुत गंदा है, इसे मैं तो साफ कर नहीं सकता। हेलो, हाँ, मैं चिंटू बोल रहा हूँ, मुझे चर्च साफ कराना है। हाँ बहुत गंदा हो रहा है चर्च। क्या अब 2-3 दिन में आओगे? ओफो, ओके बाय। ये मोमबत्ती तो बहुत अच्छे से जल रही है, जब मैं पहले आया था तब भी जल रही थी और उधर वाली भी। अब चलो मैं बैठ जाता हूँ, ये मुझे कौन मार रहा है? मेरा पूरा मुंह लाल हो गया। कौन है? सामने आओ, मुझे मत मारो ऐसे। हाँ तुम कौन हो? तुम फिर से आ गई? हाँ मैंने मना किया था ना। दो तीन दिन से नहीं आ पाई, लेकिन आज आयो तो तुमने ले गया। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा, लेकिन इस चर्च को और मुझे छोड़ दो। मेरी एक छोटी सी कहानी सुनोगे तो बताऊंगी, नहीं सुनोगे तो ठीक है ठीक है सुनूंगा, पहले तो मेरी मुंह की सारी चोटी करो। हे आप पहले बैठ जाइए, फिर बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत सालों पहले मैं इस चर्च में आया करती थी। मुझे इस चर्च में आना बहुत पसंद था। चर्च में तो कोई भी आ सकता था, हिंदू मुस्लिम हर जात के लोग। मैं हिंदू हूँ, मुझे यहाँ आना बहुत पसंद था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या? हाँ, और मैं कभी कभी रात में भी आती थी जब मुझे मन करता था। मैं एक दिन रात में आई और उन्हीं लोगों ने मुझे चर्च में बंद कर दिया, हर एक खिड़की बंद कर दी। बहुत कोई भी छेद या कोई भी चीज होने के ना कारण मैं घुट घुट के यही मर गई। आपके संग तो बहुत बुरा हुआ। वो पल याद करने में भी मुझे रोना आ रहा है। आप रोइए मत, आप आगे की कहानी बताइए। हाँ, तो जिन्होंने मुझे बंद किया था, मुझे उन्हीं से अपना बदला लेना है, और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती हूँ जिन्होंने मुझे मारा था। क्या? लेकिन मैंने तो आपको नहीं मारा, फिर आप मुझे कैसे दिख रही हैं? मैं अपनी मर्जी से भी किसी को देख सकती हूँ। उनके साथ एक मेंबर था जिसका चेहरा तुमसे बहुत मिलता जुलता है। इसलिए आपने मुझे इतना मारा था अभी अभी? हाँ, तुमने सही कहा, और मुझे पूरा डाउट तुम पे ही है कि तुमने ही मुझे मारा था, तुम भी उनके संग शामिल थे। नहीं, मैं तो इस शहर में भी 1 महीने पहले ही आया हूँ, और मुझे भी चर्च में आना बहुत पसंद है। जब तक मैं उन सबसे बदला नहीं ले लेती, मेरी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं तुमसे बदला चाहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो बदला क्यों? अगर मैंने आपका कुछ बिगाड़ा होता तब आप बदला लेती मुझसे। तुम मेरी उन लोगों से बदला लेने में मदद करोगे, समझे? हाँ, ठीक है। क्या आपको पक्का पता है कि उसमें 3-4 लोग ही थे? हाँ, एक का नाम विक्की था, एक का नाम राहुल और एक का नाम टॉम था। विकी और राहुल को तो मैं जानता हूँ, वो लोग तो कब के मर चुके। क्या? हाँ लेकिन टॉम जिंदा हो सकता है। तो मैं उस टॉम से ही बता लूंगी। लेकिन हम ऐसे ही किसी से बदला नहीं ले सकते, हमें कुछ प्लान करना होगा। चलो ठीक है,